मैं आग्रह करूंगा भारत सरकार की विदेश मंत्री पार्टी की वरिष्ठ नेता सम्मान्य सुषमा स्वराज जी से कि वे कृपया आए और इस विषय पर हम सबको संबोधन करें। भारत के अत्यंत लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे बहुत ही कर्मठ और परिश्रमी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय राजनाथ जी, आदरणीय अरुण जी, आदरणीय थावरचंद जी, आदरणीय रामलाल जी, मीडिया के मित्रों और इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे बहुत ही स्नेही भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं मीडिया के मित्रों से यह अनुरोध करना चाहूंगी कि हमारे शीर्षक और दूसरे पार्टियों के शीर्षक का अंतर समझें। बाकी सभी पार्टियों ने अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत किया है, एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है जो संकल्प पत्र लेकर आई है, घोषणा पत्र लेकर नहीं। इसलिए आज हम हमारे सामने घोषणाएं करने नहीं आए हैं, बल्कि इन संकल्पों को पूरा करने का व्रत लेने के लिए आए हैं। और मुझे विश्वास है कि देश हमारी बातों पर इसलिए भरोसा करेगा कि 2014 में जो हमने कहा उससे कहीं ज्यादा करके दिखाया। अभी अमित जी ने कुछ आंकड़े आपके सामने रखे जो 5 वर्षों के विकास को दर्शाते हैं, लेकिन मित्रों, विकास की गाथा इस सरकार की इतनी लंबी है कि अगर हम सब उसमें कुछ न कुछ जोड़ते जाएं तो भी वो पूरी नहीं हो सकती। मैं कुछ ऐसे आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगी जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में लोगों को चौंका रहे हैं। जब मैं इंटरनेशनल फोरम से कहती हूं कि हमने 34 करोड़ नए बैंक खाते खोले हैं, 340 मिलियन न्यू अकाउंट्स हैव बीन ओपन्ड, और ये विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक समावेश है, द हाइएस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द वर्ल्ड, तो लोग चौंक जाते हैं। जब मैं उन्हें पुरानी सरकार की तुलना करके अपनी सरकार का अध्ययन देती हूं कि पुरानी सरकार में हमारे यहां 12 किलोमीटर हाईवेज पर डे बनते थे, प्रतिदिन बनते थे, और आज 29 किलोमीटर पर डे बन रहे हैं, तो वो चौंक जाते हैं। जब मैं उन्हें बताती हूं कि हमारे यहां रूरल रोड्स पिछली सरकार में 69 किलोमीटर प्रतिदिन 69 किलोमीटर पर डे बनती थी और आज 134 किलोमीटर 134 किलोमीटर पर डे बन रही है, तो वो चौंक जाते हैं। जब मैं उन्हें डिजिटल इंडिया के अंदर की प्रगति बताती हूं कि पहले हमारे यहां केवल 59 गांव 59 विलेजेस वर कनेक्टेड विद ऑप्टिक फाइबर और आज 116,000 गांवों में ऑप्टिक फाइबर बिछ चुका है, तो वो चौंक जाते हैं। जब मैं उन्हें बताती हूं कि हमारे देश में कॉमन सर्विस सेंटर पहले 83,000 थे, 83,000, और अब 3 लाख से ज्यादा बन गए हैं, तो वो चौंक जाते हैं। जब मैं उन्हें बताती हूं कि पहले देश में मोबाइल फोन बनाने की केवल 2 फैक्ट्रियां थी, आज भारत में 127 मोबाइल फैक्ट्रीज आर फंक्शनिंग, तो वो चौंक जाते हैं। और जब हम उन्हें बताते हैं कि हमारे देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का आंकड़ा पहले 142 था, 142वां, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में 65 अंक ऊपर उछलकर हम अब 77वें स्थान पर पहुंच गए हैं, तो वो चौंक जाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय जगत के लोग डेवलपिंग कंट्रीज में, विकासशील देशों में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या हो रहा है, इसे जानने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। जब मैं उन्हें बताती हूं कि हमारे यहां मोदी जी के नेतृत्व में 14 नए एम्स, 118 मेडिकल कॉलेज, 5,000 जनौषधि केंद्र और 1.5 लाख वेलनेस सेंटर बन रहे हैं, तो वो चौंक जाते हैं। और जब मैं शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें बताती हूं कि हमारे यहां 14 IIIT, 7 IIT, 7 IIM, 1 NIT, 103 केंद्रीय विद्यालय और 62 नवोदय विद्यालय खोले गए हैं, तो वो चौंक जाते हैं। और इससे भी ज्यादा जो बात मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बताना चाहती हूं कि भारत का प्रभुत्व और भारत की प्रतिष्ठा मोदी जी के नेतृत्व में जितनी बढ़ी है उससे पहले कभी नहीं बढ़ी थी। और मैं इसका उदाहरण देना चाहती हूं, पिछले 5 वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री जी को 5 बड़े पुरस्कारों से नवाजा गया है।
सऊदी अरब ने अपने यहां का हाईएस्ट सिविल ऑर्डर प्रधानमंत्री को दिया, फिलिस्तीन ने अपने यहां का सबसे प्रतिष्ठित सबसे बड़ा सिविल ऑर्डर प्रधानमंत्री जी को दिया। अभी 3 दिन पहले आपने देखा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अपने यहां का हाईएस्ट सिविल ऑर्डर प्रधानमंत्री जी को दिया, साउथ कोरिया ने अपने यहां का प्रतिष्ठित सोल पीस प्राइज से प्रधानमंत्री जी को नवाजा, और संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था ने जलवायु परिवर्तन में अभूतपूर्व काम करने के लिए प्रधानमंत्री जी को चैंपियंस ऑफ अर्थ के अवार्ड से नवाजा। यह है भारत की प्रतिष्ठा, यह है भारत का प्रभुत्व। और पहले कुछ लोग 2014 से पहले यहां के राजनीतिक पंडित कहते थे कि अरब वर्ल्ड की तो नक्शे से मिटाई हो जाएगी, प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति में अरब जगत कहीं दिखेगा नहीं। मैं आपको कहना चाहती हूं, सऊदी अरब में एक जनाद्रिया फेस्टिवल होता है जो पिछले 32 सालों से हो रहा है, पहली बार भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में सम्मानित करने का काम सऊदी अरब में हुआ, और सबसे बड़ा प्रमाण है OIC का इनवाइट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। ये 57 देशों का समूह है, संयुक्त राष्ट्र के बाद सबसे बड़ा देशों का समूह, और ये केवल इस्लामिक राष्ट्रों का समूह है। अभी अरुण जी बात कर रहे थे कि हमने कूटनीतिक तौर पर अलग थलग कर दिया, अरे केवल विश्व में अलग थलग नहीं किया मित्रों, उनके अपने इस्लामिक राष्ट्रों के बीच में अलग थलग करने में कामयाबी हासिल की है। OIC की एक पृष्ठभूमि में आपको बता दूं, ये 1969 में बना था OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, 1969 में। इनकी पहली कॉन्फ्रेंस रबात में हुई थी मोरक्को में, उस समय भी भारत को इनवाइट किया गया था। फखरुद्दीन अली अहमद उस समय भारत के विदेश मंत्री थे, वो भाग लेने गए थे, पाकिस्तान ने उनकी पार्टिसिपेशन का विरोध किया, और वहां के आयोजक मान गए कि हम भारत को पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे, बिना भाग लिए भारत वहां से अपमानित होकर वापस लौटा था। 50 वर्ष बाद कालचक्र घूमा है। अभी जो आबू धाबी में OIC की मीटिंग हुई, वो उनकी स्वर्ण जयंती मीटिंग थी, स्वर्ण जयंती कॉन्फ्रेंस थी, 50th एनिवर्सरी, और वहां जब उन्होंने हमें इन्वाइट किया, फिर पाकिस्तान ने विरोध किया, और अंत में ये लिख के भेज दिया कि अगर आप भारत को दावतनामा देंगे, ये इन्विटेशन रद्द नहीं करेंगे, तो हम फाउंडर मेंबर होते हुए भी इसमें नहीं आएंगे। और UAE ने उन्हें कहा, आपकी मर्जी, अगर आप नहीं आना चाहते तो मत आइए, लेकिन हम भारत के इन्विटेशन को रद्द नहीं करेंगे। और आप सबने देखा कि पाकिस्तान की कुर्सी खाली थी और भारत मंच पर आसीन था। ये ऐसे ही नहीं हो गया। ये जो हमारे विपक्षी कहते हैं कि मोदी जी विदेश यात्रा जाते हैं क्या लेकर आते हैं, ये है मोदी जी के विदेश यात्रा की उपलब्धि कि सारे देशों से उन्होंने इतने अच्छे रिश्ते बनाए हैं कि OIC के 57 देशों में से 56 देशों ने कहा पाकिस्तान नहीं आता तो नहीं आए, लेकिन भारत का इन्विटेशन रद्द नहीं किया जाएगा। इसलिए मैं आज आपसे कहने आई हूं कि देश हमारी हर बात पर विश्वास करेगा। पिछले 5 वर्षों के इतिहास में जो क्रेडिबिलिटी, जो विश्वसनीयता हमने कमाई है, उसी के आधार पर हम ये संकल्प पत्र लेकर आए हैं। लेकिन मैं मीडिया के मित्रों से एक और निवेदन करना चाहूंगी, जैसे वो शीर्षक का अंतर देखें, ऐसे ही वो हमारे संकल्प पत्र की तुलना बाकी पार्टियों के घोषणा पत्र से जरूर करें। मित्रों, हम राष्ट्र को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखने की बात कर रहे हैं, और कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है हम देशद्रोह को कानून को समाप्त कर देंगे, यानी वो देशद्रोह को अपराध मानने से इनकार कर रहे हैं। हम राजनीतिक स्थिरता के नाम पर मजबूत सरकार लाने की वकालत कर रहे हैं, और वो गठबंधन के नाम पर मजबूर सरकार बनाने की वकालत कर रहे हैं। हम देश में अभूतपूर्व विकास की गंगा बहाने की बात कर रहे हैं, और वो विकास के नाम पर पूरी तरह मौन साधे हुए हैं। हम लोक कल्याण के लिए हर वर्ग के कल्याण की बात कर रहे हैं, वो कुछ वर्गों के तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। मैं चाहूंगी कि मीडिया के मित्र एक तरफ हमारा संकल्प पत्र रखें, दूसरी तरफ दूसरी पार्टियों का घोषणा पत्र रखें, तो उन्हें पता चलेगा कि मोदी जी देश की नब्ज पहचानते हैं, राहुल गांधी देश की नब्ज नहीं पहचानते, बाकी पार्टियों के लोग देश की नब्ज नहीं पहचानते। तो जिन्होंने देश की नब्ज को समझकर
पहचान कर अपना संकल्प पत्र बनाया है, जनादेश उसी को मिलेगा। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं और इस संकल्प पत्र पर आप टिप्पणी करें दूसरों की तुलना के साथ, ये पुनः निवेदन करती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।